एकदम सही जांच करा बड़ी ईमानदारी। ये फार्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो ये जांच कर लें और जांच में यदि मैं दोषी हूँ फिर तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल चार लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस वाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। बेटी को न्याय दिलाने के लिए, बेटी को न्याय मिले उसके लिए अगर लीगल मदद करनी पड़ेगी तो लीगल मदद करेंगे और पार्टी से अलग से भी मदद करेंगे। सर आप ऐसा जैसे अगर ये घटना हुई तो DMSP भी जिम्मेदार है। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए जो इसमें जिम्मेदार है बेटी के साथ घटना हुई है और अगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो संदेश क्या जाएगा? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? जो अधिकारी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय दिलाएं कार्रवाई होनी और किसी के कार्रवाई होगी। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो जो भी दोषियों से।